हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग हैक्स सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट्स अ फेयर ट्रायल लेट्स बिगिन फर ट्रायल क्या होता है इमेजिन सिचुएशन व शांति केस वॉज प्रोसिक्यूटेड इन वेरी डिफरेंट वे शांति का केस कैसे प्रोसिक्यूट किया गया था वो हमने देख लिया लेकिन अब हम इमेजिन करेंगे एक सिचुएशन जहाँ शांति के केस को एक अलग वे में प्रोसिक्यूट किया था जैसे वॉट इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी ऑफ चार्ज शीट एंड स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसिस टू शांति क्या होता कि अगर जो कोर्ट है शांति को चार्ज शीट और विटनेसेस के स्टेटमेंट्स की कॉपी ही नहीं देता ठीक है तो व्हाट इफ़ ही हेल्ड द ट्रायल इन अ सीक्रेट लोकेशन वेयर नीदर शांति नॉर सुशील वेयर प्रेजेंट व्हाट इफ जो जज है ट्रायल से, जो ट्रायल है वो सीक्रेट लोकेशन पे रखता जहाँ ना शांति और ना ही सुशील को बुलाते आपस में ही डिसाइड कर लेते कि हाँ शांति जो है वो गुनेगार है व्हाट इफ़ ही डिड नॉट गिव शांति लॉयर व्हाट इफ़ शांति को जज लॉयर ही नहीं दे देते तो क्या होता वॉट इफ़ द एडवोकेट रॉय वॉज नॉट गिवन इनफ टाइम टू क्वेश्चन द विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन सच एज मिसिज शिंदे एंड इन हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट शांति वॉज गिलतीी क्या होता अगर एडवोकेट रॉय जो शांति की डिफेंस लॉयर थी उसे विटनेसेज को क्वेश्चन करने ही नहीं दिया जाता या वो ऑलरेडी uh, मतलब uh, क्या करती परसीव करती कि हाँ शांति ही चोर है अगर ये सारी सिचुएशंस हुई होती तो एक क्लियर कट केस ऑफ अनफ़ेयर ट्रायल होता मतलब ये मुकदमा अनफ़ेयर रहता देन व्हाट्स अ फेयर ट्रायल फिर फेयर ट्रायल क्या होता है अगर ये सारी सिचुएशन से हम बोलते हैं कि अनफेयर ट्रायल हो गया तो फिर फेयर ट्रायल किसको हम कहेंगे फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्वड ट्रायल फेयर रहे उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ट्वेंटी वन दिया गया है आर्टिकल ट्वेंटी वन में क्या आता है राइट टू लाइफ तो राइट टू लाइफ क्या बताता है हमें स्टेट वेटर पर्सन लाइफ और लिबर्टी कैन भी टेकन अवे ओनली बायोइंग फॉलोइंग रिजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर आर्टिकल ट्वेंटी वन कहता है कि एक पर्सन की लाइफ या लिबर्टी तब उससे छीनी जाए जब उसके केस को एक रिजनेबल और जस्टिस तरीके से फॉलो किया जाए तब ही वो

उसे उसको पता था रहता कि उसके ऊपर कौन से चार्जेस लगे और वो सब अपने डिफेंस लॉयर से डिस्कस कर लेती द ट्रायल वॉज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू जो ट्रायल हुआ वो ओपन कोर्ट में हुआ सबके सामने हुआ और उसमें क्या था कुछ सिक्रेटली नहीं हुआ ठीक है द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज ट्रायल एक्यूज यानी जो शांति अक्यूज थी उसके प्रेजेंस में हुआ ठीक है उसके वो प्रेजेंट थी वहाँ पर उनके प्रेजेंस में हुआ उसके बगैर ट्रायल नहीं किया गया शांति वॉज डिफेंडेड बाय अ लॉयर एडवोकेट रॉय वॉज गिवेन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन विटनेस एंड प्रेजेंट विटनेसेस इन शांतिज डिफेंस शांति को डिफेंस लॉयर भी दिया गया था और उसने शांति को डिफेंड भी किया एडवोकेट रॉय को अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो क्रॉस क्वेश्चन करे प्रोसिक्यूटर को और साथ में शांति के डिफेंस में उससे विटनेसेस और एविडेंस भी प्रेजेंट किए गए ठीक है जज एज्यूम्ड हर टू बी इनासेंट देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जज एज्यूम्ड के वो इनसेंट थी मतलब क्या जज को ये मान के चलना है कि जिस पे भी आरोप लगा है वो बेगुना है अनटिल वो प्रून गिल्टी है जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए तब तक हर कोई जो भी एक्यूज है वो क्या है वो बेगुना है तो आ, सेम शांति के केस में भी हुआ जज ने एज्यूम किया कि वो इनसेंट है उसने ये नहीं सोचा कि शांति गरीब है कि पैसों की ज़रूरत रही होगी और चेन उसने ही चुराई होगी ठीक है तो उसने वैसे तरीके से नहीं सोचा उसने उसको अपने जो एक्ूज पर्सन है उसको इनोसेंट ही तब तक एज्यूम किया जब तक वो आ, गिल्टी प्रू नहीं होती यहाँ पे शांति फिर गिल्टी प्रू नहीं होती है उनको बाइज़त बरी किया जाता है वो सेकेंड केस है अगर कोई गिल्टी प्रू भी हो जाता है तब तक उसको कन्वर्क नहीं किया जाए तब तक उसको मतलब ये एक्यूज को तब तक भी हम इनसेंट uh, ही कम करार दें जब तक वो प्रूव uh, गिल्टी नहीं होता ठीक है इट वॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रिजनेबल डाउट दैट शांति वॉज गिल्टी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रोसिक्यूशन की कि वो प्रूव करे कि एक्यूज जो है वो एक्यूज गिल्टी है लेकिन सफिशेंट एविडेंस के साथ यहाँ पे जो बियॉन्ड रिजनेबल डाउट आता है मतलब जो प्रोसिक्यूशन है वो ऐसे यू you नो know, कुछ ऐसे डाउटफुल एविडेंसेस uh, वहाँ पे ना दें या कुछ थोड़े से एविडेंसेस जिनसे हमें डाउट रहे कि नहीं आ रही है तो शांति शायद uh, सही ही थी ठीक है तो वैसी चीज़ें ना चले वो पूरे सफिशेंट एविडेंसेस uh, के साथ आए ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए गए थे शांति के केस में तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शांति का केस में जो है फेयर ट्रायल हुआ ठीक है दे फोर अ फेयर ट्रायल टू बी फेयर डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले रोल ऑफ जज देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊँ कि जो ट्रायल जो है उसको फेयर रहने के लिए हर किसी को अपना अपना रोल प्ले करना नेसेसरी और वो फेयर रोल प्ले करे अपना अपना जैसे जज ने अपना रोल प्ले किया उसने तब तक शांति को एक्यूज नहीं माना ठीक है जब तक वो प्रूव नहीं होती गिल्टी उस तरीके से अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपना रोल वैसी डिफेंस लॉयर का अपना रोल वैसी पुलिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हर किसी का अपना अपना रोल जो है उन्हें वो फेयर तरीके से प्ले करना है दे ऑल नीड टू वर्क टू एंश्योर दैट Every citizen, irrespective of their class, caste, gender, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड गेट्स अ फेयर ट्रायल वेन एक्यूज ये इन सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एंश्योर करे कि हर सिटीजन चाहे वो किसी भी कास्ट किसी भी जेंडर रेलिजन या आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड का हो उसे एक फेयर ट्रायल मिले जो एक्यूज है ठीक है उसको एक फेयर ट्रायल मिलना जरूरी है तो उसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कम्प्लीट हो गया तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करें